हाँ तो भाई सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, शुभ संध्या, कैसे आप सभी? हाँ भाई, तो एक बार सभी लाइव जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। हाँ भाई, एक बार सभी जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए भाई। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या भाई। हाँ जी, देखिए धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हो गए। हाँ जी, तो आप सभी का एक बार फिर से ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र प्रसाद स्वामी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारी जो रोजाना शाम 6 बजे क्लास होती है, तो भाई आज हमारा उस कक्षा में टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। हाँ जी, देखिए 29 नियम आला विश्नोई, यानी राजस्थानी लैंग्वेज में अपना नाम बना रखा है। तो भाई विश्नोई जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। देखिए भाई, तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनकी जो प्रश्नोत्तरी है उनके बारे में। कल तक हमने बात की थी कि जो राजस्थान के संत संप्रदाय हैं उनकी जो प्रश्नोत्तरी थी उनके बारे में, और हम एक प्रश्न को यानी 360 डिग्री घुमा करके बातें करते हैं, यानी उसमें जितने भी ऑप्शन बनते हैं सारे के सारे हम उस प्रश्नों के माध्यम से, यानी अपना पूरा एक टॉपिक ही क्लियर हो जाता है। तो संत एवं संप्रदाय में जितने भी आपके संत थे वो मैंने ऐसे ऐसे प्रश्न चुने थे कि आपके सारे के सारे संत क्लियर हो जाएं, सगुण और निर्गुण भक्ति वाले भी क्लियर हो गए। इसी प्रकार से आज जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं सारे के सारे आपके लोक नृत्य यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से। देखिए जी, हाँ जी, पुष्पा शर्मा जी गुड इवनिंग, विश्नोई जी गुड इवनिंग। हाँ जी भैया, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए भाई। तो देखिए भाई, हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। तो भाई देखिए, अपना जो पहला क्वेश्चन है, गींदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? तो बताइए भाई, ढूंढाड़ से है ए ऑप्शन, बी मेवाड़, सी सेखावाटी या डी हाड़ोती क्षेत्र से। तो बताइए भाई, कहां से गींदड़ नृत्य का संबंध आपको नजर आता है, यानी कौन से क्षेत्र में आपके गींदड़ नृत्य किया जाता है? तो बताइए भाई, फटाफट से आप जवाब दीजिए, कहां पर किया जाता है? ढूंढाड़ में किया जाता है, या फिर मेवाड़ में किया जाता है, या फिर सेखावाटी में, या फिर हाड़ोती क्षेत्र में? हाँ जी, देखिए आंसर आना शुरू हो गए, सी, बिल्कुल भाई। और बताइए, देखिए 29 नियम आलो विश्नोई का आंसर आ रहा है भाई सी। जी भाई बिल्कुल, सभी एक बार बताइए भाई कहां किया जाता है गींदड़ नृत्य। तो भाई देखिए, जवाब आना शुरू हो गए, तो अपना जो सेखावाटी क्षेत्र है उसमें आपका गींदड़ नृत्य किया जाता है। देखिए भाई, जो गींदड़ नृत्य होता है ये कैसा होता है इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो एक बार देखिए, गींदड़ नृत्य के बारे में कुछ बातें करें हम शुरुआती। तो गींदड़ नृत्य जो होता है भाई कहां पर किया जाता है? सेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, और किन के द्वारा किया जाता है? यानी पुरुष प्रधान नृत्य है सेखावाटी क्षेत्र का। हाँ जी, देखिए रीना सोनगर, आसिफ अली हसन और पुष्पा शर्मा, दीप्ति शर्मा, सभी के आंसर सी आ रहे हैं भाई। हाँ जी, सभी के आंसर सी आ रहे हैं। तो देखिए भाई, जो गींदड़ नृत्य है ये कहां का है? सेखावाटी क्षेत्र का है, और कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा भाई? पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। यानी इस नृत्य को कौन करती है, और कौन करते हैं? यानी पुरुष करते हैं इस नृत्य को, और कहां पे? यानी सेखावाटी क्षेत्र में होता है। और इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है भाई, मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? मुख्य वाद्य यंत्र की यदि हम बात करें तो इसमें वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा। लेकिन अब स्पेशल बात क्या है कि ये कब किया जाता है, यानी गींदड़ नृत्य कब किया जाता है? तो भाई ये अपने होली के डंडारोपण से और होली तक आपका ये पूरे महीने भर आपका ये नृत्य चलता है। और इसमें पुरुष क्या करते हैं, यानी गणगौर बनते हैं, जो गींदड़ होते हैं, पुरुष जो कलाकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुरुष प्रधान होता है। और पुरुषों को क्या कहा जाता है भाई? गींदड़िये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गींदड़िये। लेकिन जो पुरुष कलाकार महिला का रूप धारण करते हैं और फिर डांस करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गणगौर या महरी कहा जाता है। यानी कि गींदड़ नृत्य में जो पुरुष कलाकार महिला का स्वांग धारण करते हैं या रूप धारण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, गणगौर कहा जाता है या फिर उन्हें महरी कहा जाता है। तो यहां पर लिखने वाली बात क्या है कि पुरुष जो महिला का रूप धारण करते हैं, हाँ जी भाई, जो महिला का रूप धारण कर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? रूप धारण कर नृत्य करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं भाई? गणगौर कहलाते हैं। गणगौर, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? महरी कहा जाता है। तो भाई जो पुरुष कलाकार महिला का रूप धारण करके डांस करते हैं वे क्या कहलाते हैं? गणगौर या महरी कहलाते हैं। और सेखावटी क्षेत्र में कब से कब किया जाता है भाई? तो ध्यान रखना, यानी होली का जो डंडारोपण होता है, और होली का डंडारोपण कब होता है? यानी माघ पूर्णिमा को। यानी होली कब होती है? सबसे पहली बात तो होली फाल्गुन पूर्णिमा को होती है, और फाल्गुन पूर्णिमा से एक महीने पहले आपका होली का डंडारोपण होता है। तो उस दिन से आपका सेखावटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य प्रारंभ हो जाता है? गींदड़ नृत्य प्रारंभ हो जाता है भाई।
होली के दंडारोपण से और कहां तक चलता है भैया? होली के दंडारोपण से होली तक चलता है, होली तक आपके ये नृत्य किया जाता है भाई। होली कब आती है? अरे भाई अभी आ रही है कुछ ही दिनों में, फाल्गुन पूर्णिमा को आपकी होली आती है। और दंडारोपण कब आता है भाई होली का? माघ पूर्णिमा। ध्यान रखने वाली बातें भाई, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे मेले और त्योहार आएंगे तब आपके ऐसे ही पूछेगा कि होली कब आती है। हाँ जी दीपा शर्मा जी गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। तो भाई इस प्रकार से देखिए, हमने गींदड़ नृत्य के बारे में कुछ बातें की, पुरुष प्रधान नृत्य, वाद्य यंत्र नगाड़ा, और पुरुष जो महिला का रूप धारण करते हुए क्या कहलाते हैं? गणगौर या मैरी कहलाते हैं। और कब से कब तक किया जाता है यह ध्यान रखने वाली बात है कि होली के दंडारोपण से होली तक किया जाता है। अब देखिए हम यहीं पर कुछ और नृत्यों की बात कर ले कि शेखावाटी में और कौन कौन से आपके नृत्य किए जाते हैं। देखिए भाई एक नृत्य है आपका शेखावाटी का जिसे कहा जाता है चंग नृत्य। कौन सा? शेखावाटी में ही एक किया जाता है चंग नृत्य। और चंग नृत्य भी कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य भाई। यहां पर देखिए शेखावाटी क्षेत्र में जितने भी नृत्य होते हैं आपके पुरुष प्रधान नृत्य होते हैं, यानी वहां पर जो पुरुष ही महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं, महिला इन नृत्यों में शामिल नहीं होती, तो इतना हमें ध्यान रखना है। तो चंग नृत्य कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। एक है भाई अपना डफ नृत्य। कौन सा? डफ नृत्य। और यह भी नृत्य कैसा है? अपना पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा भाई? हाँ जी दीपाराम जी भाटिया राम राम जी बिल्कुल। नमिता सोनी गुड इवनिंग जी भाई, सभी को गुड इवनिंग शुभ संध्या। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो भाई देखिए डफ नृत्य, चंग नृत्य, और एक आता है अपने कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। इनके बारे में जैसे अभी आएंगे तब हम बातें करेंगे छोटे छोटे नृत्यों की। ये जो चंग नृत्य होता है ये कब होता है भाई? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर कहां पर होता है? होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में होता है। यदि हम डफ नृत्य की बात करें और इनमें वाद्यंत्र क्या होंगे, जाहिर सी बात है कि हमें पहले ही दिख रहा है कि चंग में तो चंग नृत्य ही, यानी चंग ही एक वाद्यंत्र होता है वो काम में आएगा। और यदि बात करें डफ की तो अवनद वाद्यंत्र है ये तीनों के तीनों, यानी नगाड़ा चंग और डफ, तो इनका प्रयोग किया जाता है भाई। हाँ जी कच्ची घोड़ी के बारे में अभी बातें करेंगे। तो डफ नृत्य है ये कब किया जाता है? बसंत पंचमी को, यानी मां सरस्वती की जिस दिन पूजा करते हैं उसी दिन, यानी माघ शुक्ल पंचमी को आपका बसंत पंचमी को ये नृत्य किया जाता भाई। यहां तक कंप्लीट, बस इनमें इतना ही है। हाँ जी भाई तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान के लोक नृत्य वह उसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसके बारे में बताइए भाई। हाँ जी कच्ची घोड़ी में झांझ झांझ काम में आती है, उस कच्ची घोड़ी के बारे में अभी बातें करेंगे। देखिए तो भाई बताइए राजस्थान के लोक नृत्य व उसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फटाफट से जवाब दीजिए भाई, फटाफट से जवाब दीजिए। गींदड़ नृत्य शेखावाटी में किया जाता है कि नहीं किया जाता? कौन सा इसमें विकल्प आपका बिल्कुल सही नजर आ रहा है तो बताइए भाई। देखिए धीरे धीरे जवाब आना शुरू हो गए। आसिफ अली हसन हाशमी, आसिफ अली हाशमी सी आंसर आ रहा है। रीना सोनगरा सी, दीपा शर्मा सी, दीपा राम जी भाटिया, विष्णोई जी सी। हाँ जी भाई देखिए भाई सभी का आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल भाई। बम रसिया नृत्य किया जाता है कहां पर? अपने भरतपुर में, यानी मुख्यतः भरतपुर में और थोड़ा बहुत अलवर में आपके किया जाता है, अलवर सवाई माधोपुर, यानी जैसे कि जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें भी आपका नृत्य किया जाता है। देखिए पुष्पा शर्मा जी का भी जवाब आ गया सी, विष्णु गुर्जर जी का भी जवाब आ गया सी, दीप्ति शर्मा सभी का भी सी जवाब आ रहा है, बिल्कुल आप सही करो। तो कहां पर किया जाता है? मुख्यतः भरतपुर में किया जाता है, तो बीकानेर में आपका यह नृत्य नहीं किया जाता। थोड़ा बहुत बचता है तो कहां पर किया जाता है भाई? अलवर में किया जाता है। अब बमरसिया नृत्य के बारे में यदि हम बातें करें तो भाई जो बमरसिया नृत्य है यह कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है या फिर जो नई फसल आती है। हाँ जी विष्णु गुर्जर जी राम राम, यानी बम रसिया नृत्य है होली के अवसर पर या फिर जो अपनी नई फसल आती है उस अवसर पर अपना बम रसिया नृत्य किया जाता है। यह नृत्य सिर्फ बम नृत्य है, लेकिन बम रसिया नृत्य इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नृत्य को करते समय यानी भरतपुर और अलवर क्षेत्र में रसिया गीत गाए जाते हैं, तो बम और रसिया दोनों को मिलाकर के क्या गाया जाता है भाई? बम रसिया नृत्य इसे कहा जाता है। इतनी सी इसमें बातें हैं। तो भाई कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी ज्यादातर नृत्य आपके पुरुष प्रधान है, यानी पुरुष प्रधान नृत्य। तो भाई यहां तक कंप्लीट। और देखिए इसमें जो वाद्यंत्र है, वाद्यंत्र क्या है भाई? वाद्यंत्र इसमें नगाड़ा यानी सॉरी बम है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्यंत्र है। कौन सा? राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्यंत्र यानी बम, नगाड़े का बड़ा रूप होता है भाई, भैंसे की खाल से बना हुआ होता है और अवनद की श्रेणी में आता है। दो चार लोग इसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और दमादम दमादम इस प्रकार से बजाते हैं भाई, समझ गए? तो ये होगा अपना बम
जो कि अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो बम रसिया नृत्य कहां पर किया जाता है? आपके भाई भरतपुर में किया जाता है, और थोड़ा बहुत कुछ अलवर, सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में आपके किया जाता है। अब देखिए भाई, गेंदर नृत्य के बारे में अभी हमने बात कर ली, अब हम देखते हैं ढोल नृत्य के बारे में। ढोल नृत्य कहां किया जाता है? जालौर में किया जाता है। और डांडिया नृत्य कहां किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है। तो पहले हम देखें मारवाड़ का जो डांडिया नृत्य है, इसे देखते हैं। गुजरात में आपने एक नृत्य देखा होगा कि कौन सा नृत्य होता है, कि यानी नवरात्रों के समय वहां पर डांडिया या फिर गरबा नृत्य खेला जाता है, जिसमें यानी डांडिया यानी मतलब लकड़ी की कुछ हल्की हल्की छोटी छोटी डंडी होती है, उन्हें क्या करते हैं इस प्रकार से आपस में टच करके खेलते हैं। तो वो नृत्य कौन सा है भाई? वहां पर गरबा, उसी का स्वरूप डांडिया नृत्य मारवाड़ में है। लेकिन इंपोर्टेंट क्या है कि डांडिया नृत्य पुरुष प्रधान है या महिला प्रधान? तो भाई ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कहां का? मारवाड़ का। एक है यहां पर मारवाड़ में झांझी नृत्य, एक घुड़ला नृत्य। तो घुड़ला जो नृत्य है ये महिला प्रधान नृत्य, और झांझी जो नृत्य है ये आपका कैसा नृत्य है? तो देखिए मारवाड़ के कुछ नृत्य देख लेते हैं। एक भाई झांझी नृत्य, और झांझी को कौन करती है? महिलाएं करती हैं। और एक है घुड़ला नृत्य। तो घुड़ले के बारे में अभी हम बातें करेंगे आगे, उससे पहले हमें इतना ही जानना जरूरी है कि कौन कौन से नृत्य वहां पर किए जाते हैं। इन्हें भी महिलाओं के द्वारा ये नृत्य आपका किया जाता है। डांडिया नृत्य की बात करें तो पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य। और कहां का है? मारवाड़ का भाई। अब देखिए हम ढोल नृत्य की बात करें, हाँ जी घूमर भाई, जो घूमर नृत्य है जोधपुर और जयपुर में मुख्यतः किया जाता है, लेकिन घूमर को राज्य नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जो घूमर नृत्य है ये वैश्विक नृत्य बन चुका है। यानी पूरे जो अंतरराष्ट्रीय 10 नृत्य हैं सबसे बड़े, अच्छे और पसंदीदा, उनमें से घूमर का चौथा स्थान है, यानी फोर्थ स्थान है। कितने नंबर? 4 नंबर। घूमर का कितना स्थान आता भाई? 4 नंबर का स्थान आता है। तो इसलिए जो घूमर है सिर्फ जोधपुर में नहीं किया जाता, तो इस बात को आप ध्यान रखना, जयपुर में भी किया जाता है घूमर नृत्य, और अब तो पूरे राजस्थान में नहीं अपितु भारत में नहीं, पूरे संसार भर में घूमर नृत्य किया जाता भाई, इतना ध्यान रखना। इसलिए इसे राजस्थान का राज्य नृत्य कहा गया। हम बात कर रहे थे भाई ढोल नृत्य की, और ढोल नृत्य अपना कहां किया जाता है? जालौर में किया जाता है। अब देखिए ढोल नृत्य में क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास यानी ढोल होता है। ढोल कैसा वाद्य यंत्र होता है? अवनद होता है, यानी उसे इस प्रकार से बजाया जाता है। और जो नर्तक होते हैं यानी जिस प्रकार से वो ढोल बजाता है, ढोल कौन सी शैली में बजाता है भाई? थाकना शैली में बजाता है। और थाकना शैली का मतलब होता है कि इतनी भयंकर तरीके से उस ढोल को बजाता है कि नाचने वाले थक जाते हैं। क्या होते हैं भाई? नाचने वाले थक जाते हैं, और फिर थक करके ढोल बजाने वाला बंद कर देता है, और फिर वो अपनी गति से यानी जो नाच रहे थे वो थोड़े शांत हो जाते हैं, और कोई अपने मुंह में रुमाल लटका लेगा, कोई तलवार लटका लेगा, और इस प्रकार से वो डांस करते हैं भाई। तो ये अपना कौन सा नृत्य हो गया? ढोल नृत्य हो गया, जो कि कहां पर किया जाता है? जालौर में किया जाता भाई। हां जी बिल्कुल, जालौर में किया जाता है। अब देखिए इस नृत्य की और बातें करें, वाद्य यंत्र आपको इसमें दिख रहा है कौन सा? ढोल वाद्य यंत्र, यानी ढोल ही इसमें वाद्य यंत्र होगा। यदि बात करें कैसा है ये भाई, पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है ढोल नृत्य के बारे में, कि राजस्थान का वह नृत्य कौन सा है जिसे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने यानी प्रकाश में लाया, या फिर इसे विलुप्ति के कगार से बाहर निकाला, तो वो अपना कौन सा नृत्य हो जाएगा भाई? अपना ढोल नृत्य जालौर वाला हो जाएगा। यानी इस नृत्य को करना लोगों ने बंद कर दिया था, लेकिन जो जयनारायण व्यास आगे आए और इस नृत्य को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तो नोट लगा कि यदि हम लिखें जयनारायण व्यास ने, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास जी ने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलवाई, बस इतना लिखना है हमें, और याद भी इतना ही रखना है, प्रसिद्धि दिलवाई। कौन से नृत्य को भाई? ढोल नृत्य को। तो यहां तक कंप्लीट भाई। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, अपने स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना चाहो तो आप ले सकते हो भाई। तो वाद्य यंत्र ढोल हो गया, पुरुष प्रधान नृत्य है, और जयनारायण व्यास जी ने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलवाई, इतना ही है इसमें। आगे देखिए भाई, तो बताइए भाई तीसरा क्वेश्चन आपके, हाँ जी एजुकेशन हब मैनेजमेंट, हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, गुड इवनिंग भाई। देखिए नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो भाई इसका जवाब दीजिए फटाफट से, कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है? सिर्फ कथक, या फिर घूमर, या फिर कच्ची घोड़ी, या फिर तेरह ताली? बताइए भाई कौन सा नृत्य आपके सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है? हाँ जी भाई जवाब दीजिए भाई फटाफट, कि कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य होगा अपना? देखिए जवाब आना शुरू हो गए हैं, आसिफ अली हाशमी, हाँ जी आसिफ अली जी
तीन में सी रीना सोनगरा, दीप्ति, दीपा, पुष्पा जी सभी का देखिए आंसर सी आना शुरू हो गया भाई। बिल्कुल भाई, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और जो कथक नृत्य है यानी इसे पहले ये पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन आजकल यानी महिला और पुरुष इसे दोनों कर सकते हैं भाई, दोनों कर सकते हैं। घूमर जो नृत्य है यानी इसे भी यदि हम बात करें तो आजकल जैसे इसे भी करने लग गए हैं, और जो तेरह ताली नृत्य है ये महिलाओं का स्पेशल है ये नृत्य। अब देखिए कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में पहले सबसे हम देखते हैं कथक नृत्य के बारे में। कौन से भाई? हाँ जी डुगु डिम्पी, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कथक नृत्य है भाई ये कैसा है, यानी कथक नृत्य कौन होता है, यानी एक ऐसा नृत्यकार होता है जो कि कथा कहते हुए डांस करता है। क्या करता है भाई? कथा कहते हुए डांस करता है, इसलिए इस नृत्य को क्या कहा गया? कथक नृत्य कहा गया। और कथक नृत्य का जो सबसे प्राचीन घराना है यानी कथक नृत्य का जहां से उद्भव हुआ वो कहां से हुआ भाई? जयपुर घराने से। देखिए इसमें दो घराने हैं, तो कथक जो नृत्य होता है ये कहां से भाई? कथा कहने वाला। कथक का मतलब क्या होता है? कथा कहने वाला। तो हम सारे के सारे जो नृत्य हैं यहीं पर कंप्लीट कर लेते भाई, कथा कहने वाला। और यदि बात करें इसका जो आदिम घराना है कथक नृत्य का आदिम घराना, तो आदिम घराना कौन सा भाई? इसका जयपुर है। और लेकिन यदि हम वर्तमान घराने की बात करें, वर्तमान घराना, अब देखिए घराने से मतलब क्या होता है कि पहले ये जो आपके नृत्य होते थे यानी राजाओं को खुश करने के लिए किए जाते थे यानी कथक नृत्य। और कैसा नृत्य है? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। कैसा भाई? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यहां इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखने वाली बात भाई, कौन सा नृत्य है? वो कथक नृत्य है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। यहां तक कंप्लीट। वर्तमान घराने की बात बताइए भाई कौन सा है, यानी पहले ये राजघरानों में किया जाता था, तो जयपुर घराने में ये फला फूला, और लेकिन जयपुर घराने में ये थोड़ा विलुप्त तो हो गया, और अब कहां किया जाता है मुख्यतः? ये किया जाता है भाई अपने लखनऊ घराने में। कौन सा घराने में? लखनऊ घराना इसका प्रसिद्ध है। और इस नृत्य के प्रवर्तक कौन है भाई, यानी कथक नृत्य के प्रवर्तक की बात करें तो भानुजी महाराज। और भानुजी महाराज कौन से घराने से थे? भानुजी महाराज थे भाई अपने जयपुर घराने से। कौन से घराने से? जयपुर घराने से। यदि हम बात करें कि इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलवाई? अच्छा एजुकेशन हब जी, धन्यवाद, आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और रोजाना शाम 6 बजे आप इसी समय मिल जाया करें, जिससे आपकी जो राजस्थान की कला संस्कृति है इसी क्रम में आगे चलती रहेगी भाई, है ना। तो प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। और ये कहां से थे? अपने जयपुर से। यानी फटाफट स्पीड का मतलब यही है कि हमारे सारे के सारे जो नृत्य वगैरह है जो भी अपना टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो भाई प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलवाई? आपने एक नाम सुना होगा, बिरजू जी महाराज। और बिरजू जी महाराज कहां से हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाला है वो है यूपी से, यानी लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले। शास्त्रीय नृत्य है ये, दिलाने वाले तो ये कौन हो जाएंगे भाई? अपने बिरजू जी महाराज। और इनका घराना कौन सा भाई? लखनऊ घराना है इनका। यहां तक कंप्लीट। अब देखिए इस नृत्य को करते समय क्या होता है कि शुरुआत में यानी आपको इनका जो हाथों का संचालन होता है, पैरों का संचालन होता है, ये बहुत ही अद्भुत कला से होता है। इसलिए क्या करते हैं भाई कि जो हाथों पैरों का जो संचालन होता है उनको करने की जो ट्रिक होती है उनके कुछ नाम होते हैं, यानी पारन तोरा और थाट। सीधा प्रश्न बनता है कि पारन तोरा थाट किस नृत्य से संबंधित है, यानी यहां पर यही आ जाए कि पारन तोरा व थाट निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है, तो वो हो जाएगा भाई अपना कौन सा? कथक नृत्य। तो देखिए कथक नृत्य में, हाँ जी दीपा शर्मा जी बिल्कुल, तो यहां पर देखिए भाई पारन तोरा और थाट ये क्या है, यानी पैरों का हाथों का जो संचालन होता है ना, मान लीजिए शुरू में नृत्य स्टार्ट किया तो उसने पारण किया, फिर उसके बीच में यानी कोई था थोरा नाम की कला आ गई, फिर थाट है यानी इस प्रकार से करना, ये क्या है यानी इसकी गतिविधियां करना क्या कहलाती भाई? ये इसकी कलाओं के नाम है जो कि कथक नृत्य में आपके किए जाते हैं। अब देखिए भाई घूमर नृत्य की बात करें तो ये कैसा है? राजस्थान का राज्य नृत्य है, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य है, नृत्यों में सिरमौर है, तो ये सभी बातें अपने घूमर के लिए कही जाती हैं। तो देखिए घूमर के बारे में बात करें तो भाई राजस्थान का राज्य नृत्य, तो राज्य नृत्य कौन सा हो गया? अपना घूमर नृत्य हो गया। और नृत्यों में सिरमौर, नृत्यों में सिरमौर कौन है भाई? नृत्यों में सिरमौर।
और इसी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य। कौन सा भाई? राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य, क्योंकि ये रजवाड़ों में होता था पहले, लेकिन अब तो क्या है कि इसका जो विस्तार है ये पूरे संसार भर में हो चुका है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से किया जाता है, यानी बिल्कुल फूहड़ता इसमें नहीं है और यानी शालीनता के साथ किया जाता है नृत्य, इसलिए सभी को पसंद आता है और इसलिए ये नृत्य आपका धीरे धीरे फैलता जा रहा है। तो भाई रजवाड़ी नृत्य, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य कंप्लीट। भाई ये अपने घूमर की कुछ बातें होगी, और घूमर में देखिए, घूमर जब करती है महिला तो क्या करती है इस प्रकार से, घूमर नाम कैसे पड़ा इस नृत्य का, घूमर क्या होता है कि जो महिला अपना घूमर नृत्य करते समय लहंगा पहनती है, उसके नीचे क्या होती है, आपने देखा होगा कि एक चौड़ा सा पट्टा होता है, उस चौड़े से पट्टे को क्या कहा जाता है, लहंगे की घूम कहा जाता है, और घूम के कारण इस नृत्य का नाम क्या पड़ा भाई, इस नृत्य का नाम पड़ा आपके घूमर। तो देखिए भाई, हाँ जी भाई, इतने में देखिए आपके सामने एक दूसरा प्रश्न देता हूं, उसको आप जवाब देना, यहां से हट जाएगा कोई बात नहीं। हाँ भाई, इतना इसका जवाब दीजिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, बताइए भाई। हाँ तो भाई बताइए कौन सा नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। देखिए जवाब आना शुरू हो गए, तो आप जवाब दीजिए, हम वापस से उसी टॉपिक पर चलते हैं अपने, बीच में थोड़ा पानी पी लिया। अब देखिए भाई, घूमर नृत्य के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें जो यानी लहंगे की घूम के कारण इस नृत्य का क्या नाम पड़ा भाई, लहंगे की घूम के कारण इस नृत्य का नाम क्या पड़ा, घूमर पड़ा। घूम क्या कहलाती है, घूम के कारण क्या कहलाता भाई ये नृत्य, आपका घूमर नृत्य कहलाता। हाँ जी, हिम्मत सिंह राठौड़ जी, राम राम जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दीप्ति शर्मा जी का आंसर आ गया, दीपा जी का भी आ गया, यानी सभी का आंसर डी आ रहा है। तो भाई डी, यानी चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है, उसके बारे में अभी हम बातें करेंगे। तो ये इस प्रकार से अपना घूमर हो गया, और ये क्या है भाई, विश्व के जो 10 अंतरराष्ट्रीय नृत्य हैं, यानी 10 अंतरराष्ट्रीय नृत्य हैं, उसमें से घूमर का कौन सा स्थान है, चौथा नृत्य है, यानी विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है उनमें चौथा नृत्य है वो कौन सा, अपना घूमर नृत्य। अब देखिए भाई, अब हम बातें करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में, और कच्ची घोड़ी नृत्य कहां का है, कच्ची घोड़ी नृत्य है आपका शेखावाटी का। कच्ची घोड़ी नृत्य कैसे किया जाता है भाई, देखिए कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या होता है कि ये कैसा नृत्य है, कच्ची घोड़ी यानी एक तो घोड़ी होती है अपनी पक्की घोड़ी, और ये इसमें क्या करते हैं कि काठ की घोड़ी या फिर जो लकड़ी की घोड़ी बना करके यानी अपनी पीठ के पीछे लगाते हैं पुरुष कलाकार, और फिर यह नृत्य आपका किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई, पुरुष यानी इसे क्या कहा जाता है, कच्ची घोड़ी आपके नृत्य कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि शेखावाटी क्षेत्र में देखिए इस प्रकार से चार चार का आपका ग्रुप बन जाएगा, यह होता है एक मुख्य पुरुष जिसके पीछे यानी काठ की घोड़ी बंधी होती है कमर पर, और यहां पर एक दो तीन और चार, और एक दो तीन और चार, इस प्रकार से चार चार पुरुष इसके आमने सामने आ जाते हैं भाई। फर्स्ट का कौन सा है अभी हम चर्चा करेंगे भाई, कथक के बारे में अभी हमने चर्चा कर ली, तो ये देखिए मुख्य पुरुष होता है। फिर इस नृत्य में क्या होता है कि पैटर्न बनाने की कला पर आधारित होता है, पैटर्न बनाने का मतलब कि देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कमल के फूल के खिलने व बंद होने की आकृति का आभास होता है। हाँ जी, रामकिशोर जी बिल्कुल डी आंसर सही है। तो देखिए इस नृत्य में क्या होता है कि पैटर्न बनाने की कला पर आधारित होता है, तो भाई इसमें क्या होता है कि कभी तो कमल का फूल बनता है और खिलने और बंद होने का आभास होता है, वो कौन से नृत्य में होता है, कच्ची घोड़ी नृत्य में होता है। और यदि बात करें इसमें पैटर्न, यानी मान लीजिए ये सारे के सारे जो लोग हैं नृत्य करने वाले नृत्यकार, ये कभी इस प्रकार का साइन बना दिया, कभी इस प्रकार का साइन बना दिया, कभी गोला बना दिया, कभी कुछ त्रिभुज सा बना दिया, कभी कुछ बना दिया, इस प्रकार के ये पैटर्न बनाते हैं अलग अलग, तो फिर क्या होता भाई, इसीलिए इसे कच्ची घोड़ी नृत्य को क्या कहा जाता है, पैटर्न कला पर आधारित आपका नृत्य कहा जाता है। तो कुछ बातें लिख लेते हैं हम यहां पर, शेखावाटी में, और कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा भाई, पुरुष प्रधान नृत्य है, सिर्फ पुरुष करेंगे इस नृत्य को, यानी ओनली और ओनली पुरुष। हाँ जी, शंकर जी गुड इवनिंग, मनोज जी गुड इवनिंग, सभी को भाई गुड इवनिंग। पुरुष प्रधान नृत्य है, और पुरुष कलाकार क्या करते हैं भाई, पुरुष कलाकार पीठ पीछे
लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं, क्या करते हैं? लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं। और यह है नृत्य पैटर्न कला पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? पैटर्न कला। भी मैंने बताई कैसी कैट पैटर्न कला, यानी उल्टे पुल्टे इसमें चिन्ह वगैरह बनाते हैं, तो पैटर्न कला पर आधारित है। और क्या होता है? कमल के फूल के खिलने में बंद होने का आभास कौन से नृत्य में होता है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य में होता है भाई। कौन से में? कच्छी घोड़ी नृत्य में आपके होता है कमल के फूल के खिलने व बंद होने का आभास। कमल के फूल के खिलने व बंद होने का आभास। बंद होने का आभास। हाँ भाई, तो यहां तक कंप्लीट। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, तो हमारा एक प्रश्न है तेरे ताली। अब तेरे ताली नृत्य की बात करें तो भाई तेरे ताली नृत्य कहां किया जाता है? तेरे ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में। और रामदेव जी का मेला कब लगता है भाई? रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को तो रामदेव जी का जन्म हुआ, यानी कहां पर लगता है भाई ये? रामदेव जी के मेले में आपका तेरे ताली नृत्य किया जाता है, रामदेव जी के मेले में। और मेला कब होता है भाई? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। और यदि बात करें तो कब लगता है भाई? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो देखिए द्वितीया को तो रामदेव जी का क्या होता है? जन्म होता है। द्वितीया को क्या होता है भाई? जन्म होता है। और एकादशी को रामदेव जी क्या लेते हैं? समाधि लेते हैं। इसलिए ये 10-11 दिन तक इनका मेला चलता है। और इस मेले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और यदि बात करें इसमें जो रामदेव जी की जो भक्त होती है, यानी तेरे ताली नृत्य करते हैं, यानी कौन करती है भाई? कामड़ जाति की महिलाएं। कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अब देखिए मैंने कच्ची घोड़ी में आपको जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में नहीं बताया, अभी उसी लिए मैंने थोड़ा वेट करवाया और अब बताते हैं। देखिए इसमें जो महिलाएं होती हैं ये क्या करती है भाई? मंजीरे बांधती है। और मंजीरा क्या होता है? यानी जो झांझ होती है उससे एक छोटा वाद्य यंत्र होता है जिसे क्या कहा जाता है? मंजीरा कहा जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में तो वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा भाई? आपके झांझ वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। कौन सा? झांझ वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। और झांझ कैसा होता है? यानी इस प्रकार से दो बड़े बड़े वाद्य यंत्र होते हैं जो दोनों हाथों में पकड़े जाते हैं, है ना? तो भाई इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से यानी झांझ को बजाया जाता है। लेकिन मंजीरे क्या होते हैं? इतने छोटे छोटे होते हैं। इनको क्या करती है कि ये जो महिलाएं होती हैं तेरे ताली, यानी कामड़ जाति का महिला प्रधान नृत्य है। बिल्कुल जी, मैंने लिख दिया पुष्पा जी, महिलाएं करती हैं इस नृत्य को। इसलिए भाई तेरे ताली जो नृत्य है इसमें क्या होती है कि महिलाएं अपने देखिए 9 मंजीरे दाएं पैर पर बांधती है, यानी नीचे की तरफ, और क्या करती है भाई 2 मंजीरे यानी कोहनी से ऊपर, और 2 मंजीरे दोनों हाथों में ले लेती हैं। और इस प्रकार से आपके नृत्य करते हैं, यानी आपस में टच करते हुए। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो कि बैठकर किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य कौन सा है जो कि बैठकर किया जाता है? तो भाई अपना तेरे ताली नृत्य होगा। कौन सा नृत्य होगा भाई? तेरे ताली नृत्य। यहां तक कंप्लीट। अब देखिए तेरे ताली जो नृत्य है इसका जो उद्गम स्थल है ये कहां पर है भाई? ये है पादरला गांव पाली में। तो यहां पर कुछ बातें करें, इसका जो उद्गम स्थल है तेरे ताली नृत्य का, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल कहां पर है भाई? उद्गम स्थल पादरला गांव पाली में। पादरला गांव पाली। और यदि बात करें इसकी जो मुख्य कलाकार है, मुख्य कलाकार की, तो मुख्य कलाकार कौन है भाई? मांगी बाई। और मांगी बाई भी कहां से है? मुख्य कलाकार मांगी बाई। मांगी बाई कहां से भाई? मांगी बाई भी आपके पाली से। एक मांगी बाई आपके उदयपुर में थी, जिन्हें यानी केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश गीत को पहली बार गाया था, तो वो मांगी बाई अपने उदयपुर से थे। लेकिन तेरे ताली नृत्य को जो यानी मुख्य जो कलाकार है वो मांगी बाई कहां से भाई? अपने पाली से। तो यहां तक कंप्लीट भाई। स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब देखिए भाई अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो फटाफट से इसका जवाब दीजिए भाई एक बार दोबारा से। सभी ने दे दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? सबसे पहले तो हमें यहां पर एक प्रश्न को ये पकड़ने की जरूरत है कि स्त्री व पुरुष ये चाहे दोनों भाग ले या नहीं ले, लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मेव लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो मेव लोक नृत्य कौन सा भाई? रणबाजा नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य है? आपके रणबाजा नृत्य है। और रणबाजा को यानी जो मेव जाति होती है भरतपुर अलवर क्षेत्र में, वो क्या करती है भाई? दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर के इस नृत्य को करते हैं। इसलिए कैसा नृत्य है? यानी मेवों का स्त्री पुरुष का नृत्य है भाई।
अब देखिए गरासियाओं का एक नृत्य होता है, कौन सा? लूर नृत्य। और लूर नृत्य कब किया जाता है, यानी ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। लूर नृत्य यानी ऐसा नृत्य कौन सा है कि जिसमें यानी वधु पक्ष के यानी वर पक्ष होता है, क्या होता भाई, वर पक्ष होता है, उसके घर पर एक यानी इस प्रकार से जो महिलाएं होती हैं दो ग्रुप बना लेती हैं, वर पक्ष के घर पर महिलाएं दो ग्रुप बना लेती हैं और क्या करती हैं कि एक ग्रुप कौन होता है यानी महिला पक्ष होता है और दूसरा ग्रुप कौन होता है भाई, दूसरा ग्रुप होता है अपने वधु पक्ष यानी पति वर पक्ष, दोनों वर और वधु पक्ष होते हैं अलग अलग। तो क्या करता है कि वर पक्ष वधु पक्ष की महिलाओं से यानी वो जो लड़की मांगने के लिए जब जाते हैं उस प्रकार के नाट्य अभिनय करते हैं। और इस नृत्य में आपके क्या किया जाता है, लूर नृत्य। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि गरासियाओं का लूर नृत्य है। हाँ भाई सुरेखा जी गुड इवनिंग, आप बड़े लेट हो जाते हो, क्या बात है? तो रोजाना शाम 6 बजे अपनी क्लास होती है, तो आप रोजाना शाम 6 बजे आया करें भाई। तो लूर नृत्य क्या है भाई, गरासिया जाति का नृत्य है। कौन सी जाति का? गरासिया जाति का नृत्य है। अब यदि हम बात करें गैर नृत्य, गैर नृत्य किनका है भाई, भीलों का नृत्य है। किनका नृत्य है? भीलों का। लेकिन यहां पर यदि बात करें चरी नृत्य, तो चरी नृत्य किनका भाई, गुर्जरों का नृत्य है। किनका? गुर्जरों का नृत्य है। और चरी नृत्य की जो मुख्य नृत्यांगना है कौन से क्षेत्र में किया जाता है, ये किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र का मुख्य नृत्य है यानी चरी नृत्य। और यहां पर बात करें इनकी जो मुख्य कलाकार है वो कौन है भाई, अपने फलकू भाई, गुर्जरों का नृत्य। और कलाकार की बात करें तो कलाकार कौन है भाई, फलकू भाई, और एक है अपने सुनीता रावत, सुनीता रावत। यहां तक कंप्लीट भाई। तो ये हो गया अपना चरी नृत्य जो कि गुजरा का नृत्य है। हाँ जी रणवीर चौहान जी गुड इवनिंग, रीना सोनग्रा का जवाब आ रहा है फलकू भाई। एक और नृत्यांगना है सुनीता रावत, तो इन दोनों को हमें याद रखना है। अब हम बात कर लेते भाई गैर नृत्य के बारे में, कौन से नृत्य के बारे में, गैर नृत्य के बारे में। तो गैर नृत्य किनका है, भीलों का नृत्य है। देखिए भाई गैर नृत्य कहां पर किया जाता है, यहां पर हम लिखें गैर नृत्य के बारे में कुछ बातें। सारे के सारे नृत्य आपके क्लियर हो जाएंगे, भील हो चाहे गरासिया हो यानी किसी का भी हो, सारे के सारे नृत्य आपके प्रश्नों के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। कहां पर किया जाता है भाई, यह नृत्य किया जाता है मेवाड़ व बाड़मेर के भीलों द्वारा, मेवाड़ व बाड़मेर के भीलों द्वारा, बाड़मेर के भील पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? भील पुरुषों द्वारा आपका यह नृत्य किया जाता है भाई। गैर नृत्य कहां किया जाता है, मेवाड़ व बाड़मेर में। यदि हम बात करें इसका जो प्रमुख केंद्र है गैर नृत्य का, प्रमुख केंद्र है भाई इस गैर नृत्य का कंसा गांव बाड़मेर में। कैसा है? कंसा गांव बाड़मेर में। अब देखिए इस नृत्य को किया कैसे जाता है, सबसे बड़ी बात है कि किया कैसे जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे नृत्यकार और क्या करते हैं कि यानी अपने हाथ में यानी एक छड़ी रखते हैं या फिर जैसे लकड़ी का खाड़ा जो होता है। हाँ जी मेवाड़ बाड़मेर में रणवीर चौहान जी, मेवाड़ बाड़मेर में आपका यह नृत्य किया जाता है मेवाड़ व बाड़मेर के भीलों के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि जो कलाकार होते हैं नृत्यकार, कनाना गांव में भाई आंगी बांगी की गैर खेली जाती है, यानी गैर का मतलब एक यहां से एक तरीके से यानी जो गैर है वो खेली जाती है। गैर क्या होती है, इस नृत्य को यानी नृत्य ना करके एक तरीके से खेल नृत्य होता है ये। तो वहां पर अभी हम पढ़ेंगे कि कनाना गांव में कौन सी आपके गैर खेली जाती है, राव जी की गैर कहां खेली जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी गैर हमारे यहां प्रचलित है। तो भाई इसमें देखिए क्या होता है कि बहुत सारे कलाकार इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनके हाथ में क्या होता है कि एक लकड़ी की छड़ होती है जिसे क्या कहा जाता है, खाड़ा कहा जाता है, या लकड़ी की तलवार भी होती है, यानी तलवार ओरिजिनल नहीं होती, लकड़ी की तलवार होती है। तो उसको हाथ में लेकर के इस प्रकार से गोलाकार रूप में ये नृत्य करते हैं यानी गैर नृत्य। यहां देखिए आपको एक चीज दिख रही होगी गैर, सबसे पहले इस नृत्य का क्या नाम था, घेर नृत्य। और घेर का मतलब क्या होता है, घेर घेर गोली गोल गोल घेर, यानी एक घेरा, कैसा घेरा नृत्य था इस नृत्य का नाम। लेकिन धीरे धीरे घेरा से गैर बन गया। और भाई अब यदि बात करें प्रमुख केंद्र है कंसा गांव बाड़मेर में, कुछ जो मुख्य गैर हैं उनके बारे में यदि बात करें तो देखिए राव जी की गैर, कौन सी गैर है भाई, अपने राव जी की गैर। और राव जी की गैर कहां पर खेली जाती है, मंडोर जोधपुर में। कहां पर खेली जाती है भाई, मंडोर जोधपुर में खेली जाती है। एक आती अपने चंग की गैर, चंग वाद्य यंत्र था जो मैंने आपको बताया था कहां का था भाई, बताइए फटाफट चंग की गैर कहां खेली जाती है। एक है अपने तलवार की गैर, कौन सी भाई, तलवार की या फिर बारूद की गैर, बताइए भाई फटाफट से। एक है अपने आंगी बांगी गैर, आंगी बांगी
गैर हाँ भाई चंग नृत्य के बारे में हमने बात किया था, राव जी की गैर। अरे भाई गैर में खेले जाने वाले की नट्टे यानी वो क्या कहलाते हैं, गैरिये कहलाते हैं। गैरी यानी गैर नृत्य जो खेलेंगे वो क्या कहलाते हैं भाई, गैरिये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गैरी अपने कहलाते हैं। और ये जो वस्त्र पहनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ओंगी कहा जाता है। और यदि हम बात करें जो बाड़मेर के हैं जो गैरिये होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल यानी सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद ओंगी वगैरह पहनते हैं। लेकिन जो मेवाड़ के जो गैरिये होते हैं वो क्या करते हैं भाई, यानी ओंगी तो सारे के सारे जो कपड़े हुए हैं वो उनके सफेद होते हैं, यानी धोती ओंगी वगैरह। ओंगी क्या होती है, ओंगी अंगरखी यानी छोटा सा एक वस्त्र होता है जिसमें तलवार लटकाने का भी इस प्रकार से आपके एक साइड में से निकला होता है कपड़ा। और यदि बात करें तो जो मेवाड़ है उसमें क्या होता है कि मेवाड़ी हमेशा लाल रहे हैं। क्या कि जब भी मुगल उन्हें आक्रांता यानी मुगल आक्रांता उन्हें युद्ध के लिए चुनौती देते तो आंख लाल करके हमेशा केसरिया साफा धारण कर लेते। कौन, मेवाड़ी सरदार, मेवाड़ी राणा। इसलिए भाई जो मेवाड़ी सरदार हैं वो गैर नृत्य खेलते समय कौन सी साफा पहनेंगे, यानी केसरिया या फिर लाल साफा पहनते आपके। तो यहां तक भाई आपका कंप्लीट। अब देखिए चंग की गैर कहां खेली जाती है, चंग की गैर खेली जाती है शेखावाटी में। कहां खेली जाती है भाई, शेखावाटी में खेली जाती है। और देखिए जवाब भी आ रहे हैं, आंगी बांगी गैर बाड़मेर में, आंगी बांगी गैर कनाना बाड़मेर में। देखिए कनाना बाड़मेर में खेली जाती है। और जो आपके तलवारों की गैर है ये कहां खेली जाती है, मेनार गांव उदयपुर में खेली जाती है। कौन से गांव में, मेनार गांव उदयपुर। आंगी बांगी गैर कनाना एवं लाखेटा गांव, इन दो गांव में खेली जाती है। कौन कौन से, कनाना व लाखेटा गांव में आपके आंगी बांगी गैर खेली जाती है। और ये कहां पर पड़ते हैं दोनों गांव, आपके बाड़मेर में पड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये क्या होती है, आपके गैर नृत्य के बारे में हमने बात कर ली। इन सभी नृत्यों को हमने यहां से पूरा किया। हाँ जी भाई, रीना सोनगरा जी आंगी बांगी गैर बाड़मेर, पुष्पा जी मेनार गांव उदयपुर, बिल्कुल। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने फिर से एक नया प्रश्न आता है, नया एक जटिल सवाल आता है। जटिल तो नहीं, बिल्कुल सरल सवाल है कि तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। तो बताइए भाई किस लोक देवता को समर्पित है, अभी हमने बात की थी। हाँ जी, महिलाएं फाग गीत गाती हैं, जैसे कि होली के अवसर पर किया जा रहा है तो फाग ही गाएंगी, फागन के महीने में। यानी इसे सामान्यतः किस प्रकार से समझे, फाल्गुन के महीने में कौन से गीत गाए जाते हैं, यानी फाग गाई जाती है। तो भाई इस प्रकार से हमें इन चीजों को समझना है। तो तेरे ताली नृत्य किस लोक देवताओं को समर्पित है, तो बताइए भाई। देखिए जवाब आना शुरू हो गए, तेरे ताली नृत्य, कुछ स्टूडेंट के रॉन्ग आंसर भी आ रहे हैं, तो एक बार से दोबारा करेक्ट करिए आप। हाँ जी, देखिए सभी के पुष्पा, दीपा, रीना, माही, बिश्नोई, सभी के, सुरेखा जी, सभी के भाई बी आंसर आ रहे हैं, यानी रामदेव जी के। भाई अभी अभी हमने चर्चा की थी कि तेरे ताली कमर जाति की महिलाओं के द्वारा आपका तेरे ताली नृत्य किया जाता है, और इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग होता है, ना कि तालियों का। तालियों का प्रयोग नहीं होता, 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। 9 मंजीरे दाएं पैर पर बांधे जाते हैं और 2 अपने हाथ में कोहनी से ऊपर और 2 भाई हाथों में लिए जाते हैं। कमांड जाति के नहीं, कामड़ जाति भाई, कौन सी, कामड़ जाति। और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था तो उन्हीं की जो जाति है, यानी वो वहां पर रामदेव जी के मेले में आपका नृत्य करती है। तो देखिए इसमें तो इतना ही था, आगे हम इन प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाएं। तो देखिए हमारे सामने फिर से एक नया प्रश्न आता है भाई। देखिए ये थोड़ा बड़ा जटिल प्रश्न है और इसका आप जवाब देंगे फटाफट से कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है। बताइए भाई कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, मामूली सा। किन्नमन में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है, बताइए भाई कौन सा नृत्य नहीं है। सॉरी भाई, देखिए भाई निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है, तो बहुत सारे जवाब आ रहे हैं यहां पर। हाँ जी, कुछ के बी आ रहे हैं, कुछ के सी आ रहे हैं, यानी रीना सोनगरा बी, दीपा शर्मा बी, शंकर जी सी, माही बिश्नोई डी, बी गुर्जर जाति। रीना सोनगरा जी गुर्जर जाति का नृत्य है, मैंने अभी आपको बताया था, जिसकी मुख्य कलाकार फलकू बाई थी।
तो भाई देखिए, कालबेलियाओं का नहीं है, कालबेलियाओं की हमारे यहां पर एक ट्रिक बनती है भाई। कौन सी एक ट्रिक बनती है जिसका नाम क्या है? बाईपास। और बाईपास से अपने कुछ नृत्य बनते हैं। बासे हो गया अपना बांगड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य भाई? बांगड़िया नृत्य हो गया, यानी जो बासे भीख मांगते समय आपका यह नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई? कालबेलिया जाति के द्वारा भीख मांगते समय जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा होता है? बांगड़िया नृत्य। एक होता है इंडोनी नृत्य। कैसा नृत्य? इंडोनी नृत्य। और कालबेलिया जाति के जो सारे के सारे नृत्य होते हैं ये कैसे होते हैं भाई? ये नृत्य होते हैं अपने व्यावसायिक नृत्य, यानी पैसा कमाने के लिए आपके नृत्य किए जाते हैं। और ज्यादातर नृत्य इनके अश्लील नृत्य होते हैं। कैसे नृत्य होते हैं? अश्लील नृत्य होते हैं पैसे कमाने के लिए। और पासे क्या हो जाता है भाई? पणिहारी नृत्य। कौन सा? पणिहारी, यानी इसे हम पणिहारी बोलेंगे, पणिहारी नृत्य। और सैसे क्या हो जाता है भाई? अपने संकरिया नृत्य। कौन सा? संकरिया नृत्य। अब आप सोचेंगे कि सर चक्री नृत्य आया ही नहीं, संकरिया भी आ गया, पणिहारी भी आ गया और चक्री क्यों नहीं आया? देखिए भाई, ये जो इनके नृत्य है ना, यहां पर यही बात दिमाग लगाने वाली थी। जो चक्री नृत्य है ये वास्तव में किसका नृत्य है? यानी ये नृत्य अपने कंजर जाति का है। कौन सा जाति का? कंजर जाति का। कंजर जाति का नृत्य है। और कंजर जाति की जो ट्रिक है वो क्या है? लाठी और धाकड़ और चक्री नृत्य जो है कंजर जाति के किए जाते हैं। कौन कौन सी जाति के? लाठी, धाकड़ और चक्री। अब देखिए, चक्री नृत्य तो किसका हो गया? ये हो गया कंजरों का। लेकिन यदि बात करें, ये जो सारे नृत्य हैं ये इसी प्रकार से गोल गोल घूम घूम करके नृत्य किए जाते हैं। तो इसलिए जो चक्री नृत्य है इसको जो कालबेलिया जाति की महिलाएं, आपने कभी गुलाबो सपेरा को देखा होगा, वो भी गोल गोल घूमते हुए नृत्य करती है। इसलिए भाई क्या होता है कि चक्री नृत्य को भी हम थोड़ा सा इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो चरी नृत्य है ये तो स्पेशली हमें पता है, क्योंकि ये जो सारे नृत्य हैं ये गोल गोल चक्री, यानी चक्री का मतलब गोल गोल घूम करके ये जाने वाले नृत्य क्या कहलाते हैं भाई? चक्री नृत्य। लेकिन जो चरी नृत्य है ये किस जाति का है? गुर्जर जाति का। कौन सी जाति का भाई? गुर्जर जाति का। और अभी मैंने आपको इनकी दो मुख्य कलाकार बताई थी गुर्जर जाति में भी, कहां पर? किशनगढ़ अजमेर में। कहां पर भाई? किशनगढ़ अजमेर का ये आपका चरी नृत्य प्रसिद्ध है। और दो कलाकार फलकू भाई और एक बताया था मैंने सुनीता रावत। तो यहां तक कंप्लीट भाई, तो अब आप समझ गए। तो थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से आप वहां पर इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान लगा करके किए। तो भाई कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। यहां तक कंप्लीट। आगे बढ़े तो देखिए हमारे सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आता है कि वालड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बताइए भाई फटाफट, कौन सी जाति के द्वारा आपके वालड़ नृत्य किया जाता है? बंजारे करते हैं, या फिर कालबेलिया करते हैं, या फिर गरासिया करते हैं, या फिर भवाई करते हैं? कौन सी जाति के द्वारा वालर आपका नृत्य किया जाता है? हाँ भाई फटाफट से बताइए। देखिए प्रश्न अपने भले ही कम हो रहे हों, लेकिन हम क्या है कि सारे के सारे नृत्यों के बारे में हम यहां से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। देखिए जवाब आ गया बिश्नोई बॉय सी। हाँ भाई फटाफट से बताइए, कौन से नृत्य यानी वालड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट से जवाब दीजिए भाई। दीपा शर्मा का डी आ रहा है, माही बिश्नोई डी, शंकर जी स्वामी डी, रीना सोनगरा डी। अभी देखिए सभी का डी आ रहा है, सुरेखा मालविया भाई डी आ रहा है। हाँ तो भाई इसका जो वास्तव में आंसर होगा, दीप्ति शर्मा जी का भी आ चुका है आंसर, डी आ रहा है भाई सभी का। बताइए और बताइए फटाफट किस किस का, फिर हम आगे बढ़े। जी बिल्कुल भाई, देखिए वालर जो नृत्य है अपना किसके द्वारा किया जाता है? तो ये गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है। किस जाति के द्वारा किया जाता है भाई? रीना सोनगरा जी, गरासिया जाति के द्वारा आपका यह नृत्य किया जाता है। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया जाति के द्वारा आपके यह नृत्य किया जाता है। और गरासिया जो जाति है इसके यदि हम नृत्यों की बात करें, गरासिया जाति के जो नृत्य हैं इनके बारे में भाई हम बातें करते हैं। देखिए इस जाति के जो नृत्य हैं इनके बारे में एक ट्रिक है कि अपने जैसे राजस्थान में क्या होता है कि भाई, हाँ देखिए विकेश कुमारी जी का जवाब आ गया डी। हाँ जी भाई बिल्कुल सभी का। हाँ जी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है वालड़ नृत्य। इस पर आपका डाक टिकट भी जारी हो चुका है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन यानी गरासिया जाति के जो कुछ नृत्य हैं उनकी ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। अपन देखिए राजस्थान की संस्कृति में क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ी जटिलता होती है कि आदि तो अपन क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, सिरोही में बाकरपट्टा नामक स्थान पर आपके गरासिया जनजाति निवास करती है, तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करते रहेंगे। तो क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं उनको हिंदी बोलने में बड़ी जटिलता होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, आधी हिंदी बोलते हैं, आधी इंग्लिश बोलते हैं और आधी राजस्थानी बोलते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि गरासिया जाति का एक लड़का होता है छोटा बालक, वो क्या कहता है, यानी पतंग लूटने का मौसम चल रहा था, आप समझ गए सभी पतंग कब लूटी जाती है, तो उसी समय क्या होता है कि वो जो छोटा बच्चा होता है वो कहता है कि गोरामा, यानी
गरासिया जाति की, यानी वो जो लड़का था उसकी माँ का क्या नाम था? गोरा माँ नाम था, गोरा माँ नाम था, इसलिए उस माँ से कहता है कि गोरा माँ मौज में कुदलू के बाल। क्या कहता है? गोरा माँ मौज में कुदलू के बाल। अब देखिए इसमें क्या बोला उसने, इस ट्रिक में देखिए, अब आधी हिंदी बोल दी, आधी इंग्लिश बोल दी और आधी राजस्थानी लैंग्वेज यूज कर दी। तो भाई क्या ट्रिक है? गोरा माँ मौज में कूद लूके बाल। तो देखिए भाई, गोरा से हो गया आपका कौन सा नृत्य? गोर नृत्य। मां से कौन सा हो गया? मांदल नृत्य। और मौज से कौन सा हो गया? मौर्या नृत्य। कौन सा? मौर्यो। और जैसे क्या हो गया? जवारा नृत्य। और कूद से कौन सा नृत्य हो गया भाई? कूद आपका नृत्य हो गया। लू से कौन सा? लूर नृत्य। और वाल से कौन सा हो गया? वालर नृत्य आपका बन गया। तो इस प्रकार से आपके जो गरासिया जनजाति के जो सारे के सारे नृत्य थे यहां पर कंप्लीट हो गए। इनमें से इंपोर्टेंट कौन सा है? वालर नृत्य है। तो वालर नृत्य की यदि हम बात करें तो भाई जो वालर नृत्य है कैसा नृत्य है कि इसमें देखिए एक तो व्रत बनता है किसका? महिलाओं का, और एक व्रत बनता है पुरुषों का। तो इस प्रकार से देखिए, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी तो यानी ऐसे लाइन लगा करके डांस करते थे, यानी एक क्या तो सीधी लाइन होती थी क्या फिर वर्गाकार लाइन होती थी, यानी वर्ताकार लाइन, और इस प्रकार से डांस करते थे। तो यानी अंदर वाला जो व्रत होता है वो तो किसका होता है? यानी महिलाओं का होता है। और बाहर वाला व्रत किसका होता है? पुरुषों का होता है। इनके बीच में कौन आता है? फिर एक वृद्ध पुरुष आता है और वो क्या करता है कि छत्ते को अपने ऊपर करता है या फिर तलवार को ऊपर करता है, और उसी समय से इस नृत्य की शुरुआत हो जाती है। और ये नृत्य कैसा है भाई? राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो कि बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। और इस पर 30 अप्रैल 1991 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कैसा भाई? 5 रुपए का इस पर डाक टिकट जारी हुआ। तो देखिए भाई, वालर नृत्य किसका है? गरासियाओं का, स्त्री पुरुषों का, स्त्री पुरुषों का आपका यह नृत्य किया जाता है भाई। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो किसी बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। एकमात्र नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। हाँ भाई, तो बिना किसी वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है? वाद्य यंत्र के किया जाता है। और इस नृत्य पर डाक टिकट जारी हुआ। तो डाक टिकट कब जारी हुआ भाई? डाक टिकट की यदि हम बात करें तो डाक टिकट होता है 30 अप्रैल 1991 को आपके 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। कौन से नृत्य पर? वालर नृत्य पर 5 रुपए का डाक टिकट। तो बस भाई इसमें इतने ही कुछ बातें हैं। यहां पर देखिए कूद नृत्य हो रहा है। कौन सा? कूद नृत्य। तो इस कूद नृत्य के बारे में देखें, कूद नृत्य भी बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यानी इसी प्रकार से विवाह के अवसर पर किया जाता है, कूद कूद करके डांस करते हैं। और इसमें क्या होता है कि तालियां बजा बजा करके डांस करते हैं, इसलिए कौन सा नृत्य है? यानी बिना किसी वाद्य यंत्र के तो किया जाता है, लेकिन इसमें तालियां बजा करके डांस किया जाता है। तो गरासिया जनजाति का वह नृत्य कौन सा है जो कि तालियां बजा करके किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? अपना कूद नृत्य है। लूर नृत्य के बारे में अभी हमने बात कर ली। मांदल नृत्य भी इनका इसी प्रकार से होता है। और मौर्यो यानी ये सभी जो बाकी जो नृत्य हैं ये विवाह के अवसर पर होते हैं। हाँ जी, जीत चौधरी जी धन्यवाद। अब देखिए भाई, भवाई नृत्य के बारे में बात करें, बंजारा के बारे में बात करें, तो बंजाराओं का एक नृत्य है जिसका नाम है भाई मछली नृत्य। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसका जो शुरुआत होती है ये बड़े प्रेम से, हर्ष और उल्लास से होती है, लेकिन यदि हम बात करें उसका अंत बड़ा दुखी होता है, यानी अंत बहुत कठिन होता है। तो ये नृत्य कौन सा है आपका? मछली नृत्य है भाई। देखिए इस नृत्य में क्या होता है कि मछली क्या होती है? मछली जल में रहती है। कहां रहती है भाई? जल में रहती है। और इस नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? यानी चांदनी रातों में बंजारा महिलाओं द्वारा आपके मछली नृत्य का आयोजन किया जाता है। होता क्या है कि एक बार यानी जल देवता को एक बहुत सुंदर मछली थी, वो उसे पसंद आ जाती है और जल देवता कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मछली ने कहा कि नहीं नहीं भाई, जब तक 2-4 बार आपके प्रेम पत्र नहीं आएंगे तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। जल देवता को यह बात बुरी लग गई। उन्होंने बोला, अच्छा ऐसी बात है क्या? तब बोला कि ठीक है, हम देखते हैं तुम्हें कैसे तुम हमारा प्रेम पत्र को स्वीकार करती हो। तो भाई क्या करता है जल देवता? एक भंवर तैयार करता है। क्या करता है? जल यानी जल देवता, अपना वास्तव में जो जल देवता, वो क्या करता है कि भंवर तैयार करता है। भंवर का मतलब जिस प्रकार से जवार भाटा आता है जल में, उसी प्रकार से आपके यहां पर भंवर तैयार करता है। और जो मछली होती है उस भंवर में फंस जाती है और फिर वो
प्रार्थना करती है कि सर जी हमने आपका प्रेम पत्र स्वीकार कर लिया, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन जल देवता बहुत क्रुद्ध हो चुके थे यानी क्रुद्ध हो चुके थे और फिर क्या करते हैं, मछली उस भंवर में फंस जाती है और मर जाती है। और यही इस नृत्य की कथा है भाई। शुरुआत में तो जो लड़की होती है वो क्या करती है, बड़े आराम से हर्ष और उल्लास के साथ इस नृत्य को करती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो यहाँ पर यानी बंजारों की जो महिला होती है, ये एक बीच में एक लड़की नृत्य कर रही होती है, चारों ओर से इसको आकर के घूम यानी घेर लेती हैं और फिर बाद में यानी मरने का ये अभिनय करती है। तो ये आपका ऐसा नृत्य है जिसका शुरुआत सुखद होता है लेकिन अंत दुखद होता है, तो कौन सा नृत्य होगा, मछली नृत्य। तो भाई कौन सा नृत्य है, शुरुआत सुखद किंतु अंत दुखद इस नृत्य का होता है, कौन से नृत्य का, अंत दुखद इस नृत्य का होता है। तो यहां तक कंप्लीट भाई। हाँ जी, जलपरी यानी आप कुछ भी कह दीजिए, मछली। अब देखिए हम बात करते हैं कालबेलिया जाति के नृत्यों की, हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं भाई भवाई जाति के नृत्य के बारे में। हाँ भाई, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। और रोजाना शाम 6 बजे अपनी इसी टाइम जो क्लास होती है उसमें जुड़ जाया करें भाई, है ना। अब देखिए जो भवाई नृत्य है, भवाई नृत्य की बात करें तो भाई ये नृत्य कहां का है, उदयपुर संभाग का नृत्य है। कहां का है, उदयपुर संभाग का नृत्य है। और किसके द्वारा किया जाता है, भवाई जाति के स्त्री पुरुषों के द्वारा आपका भवाई नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में क्या होता है भाई, इस नृत्य को कहा जाता है स्टंट नृत्य। क्या कहा जाता है, राजस्थान का वह नृत्य कौन सा है जिसे स्टंट नृत्य कहा जाता है या फिर कर्तव्य नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य भाई, कर्तव्य नृत्य। और कर्तव नृत्य या फिर स्टंट नृत्य, इसी नृत्य को आपके कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस नृत्य को करते समय भाई जो महिलाएं होती हैं वो अपने सिर पर लगभग 100-100 की संख्या में मटके या फिर घड़े रखती हैं और उन घड़ों को रख करके इस प्रकार से नीचे झुक करके थोड़ा रुमाल उठाती हैं, तलवार की जो धार है उस पर नृत्य करती हैं, गिलास जो होते हैं उनको नीचे रख करके और फिर डांस करती है भाई। और यदि बात करें कांच की बोतलें हुई उन पर आपके डांस करती हैं। तो इसलिए बताइए भाई कैसा नृत्य हुआ, ये कर्तव नृत्य हुआ, स्टंट नृत्य हुआ। और इसीलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है कि नृत्य से अधिक इस नृत्य पे यानी भवाई नृत्य में, इस नृत्य में आपके कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये क्या कहलाता है भाई, आपके भवाई नृत्य कहलाता है। और ये कैसा नृत्य है, आपके व्यवसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य भाई, व्यवसायिक नृत्य है। तो यहां तक कंप्लीट। अब देखिए हम भवाई नृत्य की यहां बातें कर लेते हैं। इसके जो जन्मदाता थे, जन्मदाता कौन थे भाई, जन्मदाता थे बागोजी जाट। यानी भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे, बागोजी जाट। और बागोजी जाट कहां से थे, केकड़ी अजमेर से। कहां से थे भाई, केकड़ी अजमेर से। और इसमें क्या होता भाई, कैसे आधारित है, ये कर्तव्यों पर आधारित है। किस पर आधारित है, कर्तव्यों पर आधारित है। तो यहां तक कंप्लीट भाई। अब देखिए हम इसकी यदि मुख्य कलाकारों की बात करें तो हमें एक नाम मिलता है अस्मिता काला। उसने क्या किया भाई कि अपने सिर पर 111 घड़े रख करके और ये नृत्य किया, इसलिए उसका जो नाम है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। किसका नाम भाई, अस्मिता काला। भवाई नृत्य की जो प्रमुख कलाकार है, कलाकारों की यदि हम बात करें, कलाकार, कलाकार का नाम मिलता है हमें अस्मिता काला। क्या नाम मिलता है भाई, अस्मिता काला नाम मिलता है। एक यदि बात करें रूप सिंह शेखावत, कौन सा नाम मिलता है भाई, रूप सिंह शेखावत। एक नाम हमें मिलता है इसी का, सांगीलाल सांगड़िया। क्या नाम मिलता है भाई, सांगीलाल सांगड़िया, सांगीलाल सांगड़िया। तारा शर्मा, दयाराम, जोशीता शर्मा, बहुत सारे अब तो इसके कलाकार हो गए क्योंकि ये व्यवसायिक नृत्य है। पैसा कमाने के लिए आपका नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा, भवाई जाति के नृत्य यानी भवाई जाति के लोगों के द्वारा आपका नृत्य किया जाता है। और यानी गुजरात के जो आसपास के जिले हैं उनमें किया जाता है, यानी उदयपुर संभाग का आपका ये नृत्य है भाई। तो इस प्रकार से देखिए आज हमने इन नृत्यों के बारे में बात की। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने फिर से एक नया प्रश्न आता है, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लीजिए भाई। देखिए भाई फिर से वही आ गया कि शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। तो बताइए भाई शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। एक है आपके सामने घूमर, एक है गेंदड़, एक है घेर या फिर एक है तेरे ताली नृत्य। तो घूमर नृत्य के बारे में भी हमने बात कर ली, तेरे ताली के बारे में भी हमने बात कर ली और घेर नृत्य को मतलब गैर नृत्य, इन नृत्य के बारे में भी बात कर ली। देखिए मैंने कहा था ना कि अपन देखिए प्रश्न प्रश्न के माध्यम से। हाँ जी, पुष्पा व्यास जोधपुर ने किया था, बिल्कुल
जो आपका ये नृत्य था पुष्पा व्यास जोधपुर ने किया था। लेकिन अब यदि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है, तो बताइए भाई कौन सा है, यानी बचा हुआ कौन सा नृत्य होगा अपना, गेंदड़ नृत्य शेखावाटी का अपना नृत्य है, जिनके यानी देखिए हमने कहा था कि प्रश्न प्रश्नों के माध्यम से सारे के सारे आपके नृत्य क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए 8 प्रश्नों में ही देखिए चारों नृत्य हो गए और भी बहुत सारे नृत्य हो गए, तो भाई सभी के जवाब आ रहे हैं, यानी दीपा शर्मा, विकेश कुमारी जी, दीप्ति शर्मा, सभी के आंसर भाई बी आ रहे हैं। कौन सा नृत्य हो गया, गेंदड़ नृत्य हो गया भाई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन आता है, अरे देखिए वही क्वेश्चन आ गया भाई, तो इसको थोड़ा क्लिक कर लें। तो मशहूर लोक नृत्य गेंदड़ किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये अपना शेखावाटी क्षेत्र से ही संबंधित है। कौन से क्षेत्र से भाई, शेखावाटी क्षेत्र से। हाँ जी, विक्रम स्वामी जयपुर का भी आंसर आ गया, पुष्पा शर्मा जी, सुरेखा जी, यानी सभी का बी आंसर आ रहा भाई। अब देखिए यहां पर एक नृत्य आया है बिल्कुल नया, कि अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ, कहां पर हो भाई अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ, और तो भाई बताइए भाई कौन से जिले में आपका अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ, जोधपुर में या फिर बीकानेर, या सी ऑप्शन बाड़मेर, या फिर डी ऑप्शन चूरू में, कहां पर हुआ भाई, फटाफट से बताइए 10वें क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए हमारा मतलब समय भी हो चुका है, 6 से 7 बजे की क्लास रहती है और आप रोजाना जुड़ जाया करें, तो बताइए भाई अग्नि नृत्य का संबंध कौन से जिले से है, यानी किस स्थान से है, तो बताइए भाई फटाफट से जवाब दीजिए भाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अग्नि नृत्य, यानी ये जो नृत्य है भाई इस प्रकार से आपके अग्नि पर किया जाता है, और किसके द्वारा, यानी जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायियों द्वारा किया जाता है, किस पर अग्नि किया जाता है, यानी इसका जो धूणे का जो साइज होता है ये 3×4×3 होता है, कितना भाई 3×7×4×3 होता है आपके इस नृत्य का, यानी ये जो आपकी धूणा है इसका। अभी देखिए जवाब आना शुरू हो गए, विकेश कुमारी बी, विक्रम बी, दीपा शर्मा बी, सुरेखा मालविया बी, पुष्पा शर्मा जी बी, दीप्ति शर्मा बी, यानी सभी का आंसर कहां आ रहा है भाई, बीकानेर में आ रहा है, और बीकानेर में कहां पर आ रहा है, तब तक जवाब दीजिए, मैं आपको अग्नि नृत्य के बारे में कुछ चीजें बताता हूं। अग्नि नृत्य भाई बीकानेर में किया जाता है, और यहां पर क्या होता है कि किसके द्वारा किया जाता है, ये जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायियों द्वारा, जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायियों द्वारा, संप्रदाय के सिद्ध, और सिद्ध का मतलब जो कि यानी पुजारी वगैरह होते हैं, सिद्ध जाट अनुयायियों द्वारा, यानी आप सोच लो कि चलो यार हम भी कुछ तूफानी करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं, ऐसा आपको अनुमति भी नहीं है और आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि यहां पर देखिए आग जलाते हैं, यानी बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ों की आग जलाते हैं, और फिर उसमें क्या होते हैं कि जो मतीरे होते हैं, यानी इस स्थान को क्या कहा जाता है, पहले तो इस स्थान को कहा जाता है भाई धूणा, क्या कहा जाता है, आग का जो स्थान होता है, यानी आग का स्थान, आग के स्थान को क्या कहा जाता है, धूणा कहा जाता है, और आग में क्या जलेंगे, अपने मतीरे मिलेंगे, क्या मिलेंगे भाई, मतीरे मिलेंगे, नोखा तालवा, ये गलत जवाब है भाई आपका, आग के स्थान को धूणा कहा जाता है, और यहां पर जो यानी अंगारे जो मिलेंगे इन्हें क्या कहा जाता है, यानी अग्नि के जो अंगारे होते हैं इन्हें कहा जाता है मतीरे, क्या कहा जाता है भाई, अग्नि के अंगारे, अग्नि के अंगारों को क्या कहा जाता है, मतीरे कहा जाता है, और ये जो मतीरियों को क्या करते हैं ये लोग भाई, जसनाथी संप्रदाय के लोग इस पर, यानी जो अग्नि का ये जो धूणा लगाते हैं इस पर आपके नृत्य करते हैं, इनको मुंह में लेकर के दांतों से फोड़ते हैं, और इस प्रकार से कई सारी ये चीजें करते हैं, इसीलिए ये नृत्य आपका अग्नि नृत्य कहलाता है, और यानी पैरों से इसको ऐसे वैसे डांस करते हुए ये यानी नृत्य करते हैं आपका अग्नि नृत्य। तो भाई जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायी द्वारा, और बीकानेर के कौन से स्थान पर होता है, सबसे पहले तो यदि हम बात करें कि जसनाथी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है, तो भाई जसनाथी संप्रदाय की मुख्य पीठ अपने कतरियासर बीकानेर में, कहां पर है जसनाथी संप्रदाय की, कतरियासर बीकानेर में। तो आपका जो ये आपका नृत्य है ये भी कहां पर किया जाता है भाई, ये नृत्य किया जाता है कतरियासर बीकानेर में ही किया जाता है, यहां पर जसनाथ जी का जन्म हुआ था, यही उनकी समाधि है, और भाई जसनाथी संप्रदाय के जो लोग हैं यानी जाट जाति के जो सर्वाधिक अनुयायी होते हैं ये क्या होते हैं भाई, हाँ जी वो मतीरे की रार अलग है, लेकिन यहां पर हमने जो अग्नि के जो अंगारे हैं उन्हें क्या कहा, यानी मतीरिया, यहां पर अग्नि के अंगारों को कहा। तो भाई इस प्रकार से देखिए अग्नि नृत्य हो गया, और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को आपके इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, तो अग्नि नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, हाँ भाई प्रकाश में लाने का श्रेय। अभी क्लास कैसी लगी एक बार बताइए कमेंट करके, और आप लाइक कर दीजिए लाने का श्रेय।
लाइक करिए और कमेंट करके बताइए भाई, लाने का श्रेय लाइक तो कर सकते हैं भाई, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ओला एग्जाम लाइव को आप। तो प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है भाई? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर को, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर को आपके इस नृत्य को करने का श्रेय दिया जाता है। तो बस भाई इसमें इतनी सी कुछ बातें हैं। कतरियासर बीकानेर, देखिए बीकानेर में तो क्या जाता है लेकिन उद्गम स्थल कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में है। हाँ जी भाई, पुष्पा शर्मा जी धन्यवाद, दीपा शर्मा जी, विकेश कुमारी जी, सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमारे आज कम ही प्रश्न हुए लेकिन हमने बहुत सारे नृत्यों की आज हमने बातें कर ली। मिलते हैं फिर कल, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो शायद छुट्टी रहेगी, तो मिलते हैं भाई सोमवार को, मंडे को मिलते हैं भाई, है ना, सभी हम मंडे को मिलते हैं सोमवार को। बहुत बहुत धन्यवाद।